दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एप्टिव नंबर से आप पंचायत और गांव का नाम को कैसे देखें। तो दोस्तों इस वीडियो का आप लास्ट तक जरूर देखें और जानें एप्टिव नंबर में पंचायत का नाम या ग्राम का नाम को कैसे आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले गूगल पे आपको लिखना है नरेगा। नरेगा लिखने के बाद कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा, आपको यहाँ क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने एक पेज ओपन होगा, जैसा कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है। फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जैसे ही आप स्क्रीन पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने एक पेज ओपन होगा। तो आपको क्लिक करना है कहाँ, आपको सबसे नीचे आना है, क्विक एक्सेस जो आपको हमेशा बताते हैं आपको यहाँ क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ क्लिक करते हैं, क्विक एक्सेस में आपको यहाँ क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पेज खुलेगा जो स्टेट का नाम देखने को मिलेगा। आप जिस राज्य से आते हैं उस राज्य में आपको यहाँ पर स्टेट का नाम देखने को मिलेगा। आपको स्टेट में रिपोर्ट में क्लिक करना है। वहाँ क्लिक करने के बाद हम राज्य देखने जाते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर एक छोटा सा राज्य एक कोई भी एक सेलेक्ट करते हैं राज्य का नाम। वहाँ सेलेक्ट करने के बाद गाइज आपको देखना है कि एक्टिव नंबर से गाँव का नाम को कैसे पहचाने। तो गाइज फटाफट जो है कि हम एक डिस्ट्रिक्ट का नाम चूज कर लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट क्लिक करने के बाद आपके सामने एप्टिव स्टेटस रिपोर्ट में क्लिक करना है। वहाँ जैसे आप क्लिक कीजिएगा फ्रेंड्स आपके सामने ब्लॉक का नाम तो आ गया है। अब जो है कि एप्टिव नंबर में आपको यहाँ क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स हम एक एप्टिव में क्लिक कर लिए हैं। एप्टिव क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर बहुत सारे यहाँ देखिए पंचायत का नाम देखने को मिल रहा है। पंचायत का नाम आ चुका है, हमको देखना है गाँव का नाम। तो ये एक पंचायत है अड़िता, अड़िता पंचायत का नाम दिखा हुआ है। आप उसी के सीधे में जो है कि आपको दिखना है 183 एक एप्टिव नंबर दिख रहा है। तो गाइस उस एप्टिव नंबर में हम क्लिक करते हैं। वहाँ क्लिक करने के बाद कोई भी एक एप्टिव स्टेटस जो यहाँ पर दिख रहा है एप्टिव नंबर में आप यहाँ पर देख रहे हैं फ्रेंड्स। इस एप्टिव नंबर में यहाँ जितना ही सब सारा एप्टिव है तो एक एप्टिव में हम क्लिक करते हैं। तो गाइस हम एप्टिव में क्लिक कर चुके हैं। अब हमको यहाँ पर ध्यान देना है कि ये एप्टिव जो है किस गांव का है, किस गांव का बंदा है, किसका का है। तो गाइस बहुत ही आसान तरीके से आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फ्रेंड्स हमें सपोर्ट कीजिए ताकि आपको हम इस तरह से मनरेगा से रिलेटेड सारा जानकारी आपको देते रहें। तो गाइस आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है एक जॉब कार्ड नंबर यहाँ पर आ रही है। ये पंचायत का नाम देखने को मिल रहा है अड़िता, ये पंचायत है। तो हम पंचायत में क्लिक किए लेकिन हमको गांव पता नहीं है गाइस ये किस गांव का है। तो फ्रेंड्स आपको आसान तरीके से बताने की कोशिश, ये जॉब कार्ड नंबर को आपको ध्यान से देखना है। जे एच जो लिखा हुआ फ्रेंड्स ये झारखंड हो गया यानी कि राज्य का नाम। और 20 ये आपका जो आता है फ्रेंड्स ये डिस्ट्रिक्ट कोड आता है। और 02 जो 02 आता है ये ब्लॉक कोड आता है। और यहाँ पर लिखा हुआ 004 ये आपका पंचायत का कोड हो गया। और 001 जो है ये गांव का कोड आता है फ्रेंड्स। और ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो गाइज और एक बार आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए इस जॉब कार्ड का ही खेला है खाली। ये जॉब कार्ड को अगर आप जान जाइएगा तो आपका जो है सारा सिस्टम सारा मैंने गांव का नाम यहाँ खुल के आ जाएगा। जी एच यानी कि झारखंड, 20 ये विलेज डिस्ट्रिक्ट कोड होता है, 002 ब्लॉक कोड हो गया, 004 पंचायत कोड हो गया, 01 गाँव का कोड। कोई भी जॉब कार्ड में 02 लिखा रहेगा उसके बाद यहाँ पर ऑब्लिक करके कुछ नंबर लिखा रहता है। तो आपको फ्रेंड्स ये 02 है ये विलेज कोड होता है, ये इधर जो रहता है नंबर ऑब्लिक के बाद जो नंबर रहता है ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। गाइस आपको हम प्रूफ करके दिखाना चाहते हैं कि देखिए किस गांव का है। तो यहाँ गाँव हम निकालते हैं, इस जॉब कार्ड को हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, कॉपी कर लिए फ्रेंड्स जॉब कार्ड को। अब हम बैग जाते हैं, बैग चले जाते हैं। तो हम कहाँ पर क्लिक किए थे, अड़िता में, अड़िता पंचायत में क्लिक किए थे। तो हमको उस पंचायत में जाना है। तो गाइस फिर से बैग जाइएगा। उसके बाद फ्रेंड्स हमको जो है कि ब्लॉक किस में किए थे, हम चंदनकरी ब्लॉक में गए थे। उसके बाद पंचायत का नाम अड़िता में गए थे। वहाँ जाने के बाद हम जो है कि एक जॉब कार्ड में सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ गाँव का नाम पता चल जाएगा। तो गाइस हम यहाँ पर जो है फाइंड पेज में क्लिक करेंगे। फाइंड पेज में क्लिक करने के बाद हमको जो है कि यहाँ पर इसमें पेस्ट करना है। तो हम पेस्ट करते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पर जो है कि जैसे पेस्ट करेंगे तो ये आपके सामने आ जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आ चुका है ये जॉब कार्ड नंबर, यहाँ पर आ चुका है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखना है हमको कि इस किस गांव का है।
तो जॉब कार्ड नंबर यहाँ पर आपको बताए थे, यहाँ पर आ चुका है। देखिए जॉब कार्ड नंबर आपका है GS20002004011679 5, ये नंबर आ चुके हैं। अब आपको थोड़ा ध्यान देना है कि ये किस विलेज का है, तो थोड़ा सा ऊपर आप स्क्रॉल करते हुए आइएगा तो आपको जो है कि यहाँ पर विलेज का नाम देखने को मिलेगा। सबसे नीचे को आइएगा तो आपको जो यहाँ पर जॉब कार्ड में विलेज का नाम देखने को मिलेगा। तो गाइस यहाँ पर देखिए विलेज है, विलेज ही अड़ता ही विलेज है, यहाँ विलेज का नाम देखिएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए डिस्ट्रिक्ट जे झारखंड डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक का नाम ब्लॉक का कोड बताया था आपको हम, और जो है कि पंचायत का नाम होगी आपका जो बताया था पंचायत कोड। यहाँ पर जो जॉब कार्ड नंबर देखिए फ्रेंड्स GS20 जो होगी आपका JH जो देखने को मिल रहा है आपका, ये कोड है आपका झारखंड डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक 002 जो है कि आपका ये आपका पंचायत का कोड आया 004 पंचायत कोड और 001 यानी कि 1 में देखो ये फ्रेंड्स से आपको यहाँ पर हम समझाने की कोशिश करें, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। ये जो विलेज यहाँ पर है ये विलेज नंबर आपको यहाँ पर आ रहा है तो विलेज अड़ता ही है। इसी तरह से जो है कि आप एफटी नंबर से गांव पंचायत के नाम को बहुत ही आसान तरीके से देख सकते हैं। अगर आप नए व्यूअर्स हैं फ्रेंड्स, तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। तो गाइज आप इस तरह से जो है कि एफटी नंबर से पंचायत के कोड को देख सकते हैं ताकि आपको पता चलेगा इस किस पंचायत से बिलोंग करता है, किस पंचायत से आया हुआ है, ताकि आपको जो है कि मनरेगा का डिमांड करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, उसका वेजेस देखने में दिक्कत नहीं होगा और जो है कि उसका जो है कि सारा पेमेंट भी देख सकते हैं। तो गाइस ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।